once again i welcome to all my guys i know that you may be fine and even i am better than before welcome each and everyone to my youtube channel today my next topic is determiner so my dear guys today we will understand about what is determiner and the importance of determiners so without wasting the time just pay attention towards the chapter यू मे हैब्स इन अबाउट दैट दिस लेटर डिटर्मिनार इसका मतलब निरार निर्धारक जी हाँ दोस्तों इसका मतलब निर्धारक होता है जिसको आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए खासकर मैनली सी बी एस ई क्लासेस क्लास नाइन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर है साथ ही साथ ये डिटर्मिनार्स काफ़ी वेल्यूबल चैप्टर है सभी विद्यार्थियों के लिए सभी तैयार तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए साथ ही साथ आप इसे बहुत इजी तरह से आज सीखेंगे देखिए कहाँ जैसे कहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिटर्मिनार डिटर्मिनार क्या है देखिएगा कह रहा है अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू साउ हाउ या नाउन इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स इसका मतलब होता है दोस्तों ये वर्ड मैंने एक शब्द दैट कम्स बिफोर ए नाउन जो संज्ञा के पहले आता हो और क्या करता हो एक ना टू साउ हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड और यह दिखाता हो कि संज्ञा को किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिटर्मिनर्स कहते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं संज्ञा के पहले कौन सा कौन सा ऐसा वर्ड्स होता है जो आता है ऐसे तो बहुत करेंट्स में बांटा गया है डिटर्मिनर्स को टाइप्स ऑफ डिटर्मिनार्स ना देख सकते हैं आप ए नंबर में है आर्टिकल्स आर्टिकल्स मीन्स हो रहा है आ, ए एन द का प्रयोग इसमें पढ़ना है दूसरा है बी नंबर में, में बी नंबर में पोसेसि एडजेक्टिव पोसेसि एडजेक्टिव के अंदर में हम लोग को पढ़ना है माई योर आवर और हीज एंड नेक्स्ट आगे है जो है हर है इट्स है देयर्स है तो आप जान रहे होंगे इसका माई मतलब मेरा मेरे मेरे होते हैं योर मतलब तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे और आवर मतलब हमारा हमारी हमारे हिज मतलब उसका उसकी उसके पुरुष के लिए और हर मतलब उसका उसकी उसके स्त्री के लिए और इट्स मतलब इसका इसकी इसके निर्जीव वस्तुओं को के के लिए और टी एच या देर मैंने मींस होता है उन लोगों का उन लोगों की उन लोगों के तो दोस्तों नेक्स्ट अगला जो है टैप्स वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमानस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब ही होता है परिचय कराना कराने वाली विशेषण जैसे दिस मतलब क्या होता है यह और दैट मतलब क्या होता है वह और दिस मतलब क्या होता है ये ये सब या और फिर दोज फिर दोज मतलब क्या होता है वो या वो सब आप जान रहे हैं जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग दिस और दैट का प्रयोग नज़दीकी चीज़ों को बताने के लिए करते हैं किसी को परिचय कराने के लिए करते हैं और दिस दोज दिस का पुर्रल हो गया दिज और दैट का पुर्रल हो गया दोज चलिए इसको डिटर्मिन uh, में अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है जिसको भी बताया जाएगा नेक्स्ट आगे जो है आगे जो है ओकाइंट्स ओकाइंट्स है हम लोगों का आगे जो कैंट्स है एडजेक्टिव ऑफ द नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है इसको देखिए दिया हुआ है ओ ए नी वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर दबल यू थ्री इस तरह से करके फोर फाइव सारे जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड द क्वांटिटी है और नेक्स्ट फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया थर्ड हो गया ये सारी जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वांटिटी में रखा जाता है इसको भी नेक्स्ट आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट है डबल हो गया ट्वीस हो गया थ्रीस हो गया वन थर्ड हो गया मतलब कह सकते हैं एक तीसरा भाग एक तिहाई भाग टू फिफ्थ मतलब एक दो चौथाई दो 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 पाँचवा भाग दो का पाँचवा भाग और इसी प्रकार से जितने भी सारे वर्ड इसमें आएंगे थ्री सिक्स तीन एक क्या बोलते हैं इसको तीन का छठा भाग तीसरा का छठा भाग इस प्रकार से देख रहे हैं ऑल है मैनी है ऑल मिस सभी मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे नेक्स्ट का प्रयोग कैसे करेंगे लिटिल का प्रयोग कैसे करना है अ लिटिल का प्रयोग कैसे करना है द लिटिल का प्रयोग कैसे करना है नेक्स्ट आगे बॉथ का प्रयोग कैसे करेंगे एनी का प्रयोग कैसे करेंगे अदर का प्रयोग कैसे करेंगे सैब्रल मीन्स क्या होता है इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे नाउन के पहले फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे अ फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे द फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे और सम का प्रयोग कहाँ करना है मोस्ट का प्रयोग कैसे करना है होल हो गया इनफ हो गया लेस हो गया लास्ट लास्ट हो गया नो no हो गया ये सभी जो है ना एडजेक्टिव ऑफ द नंबर एंड द कोटिटी है नेक्स्ट आगे जो हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनार्स में वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजैक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजैक्टिवस में क्या हम लोग पढ़ेंगे ईच को पढ़ेंगे एवरी को पढ़ेंगे आइदर को पढ़ेंगे नाइदर को पढ़ेंगे बोथ बोथ को पढ़ेंगे इसी प्रकार से अगला जो है हम लोग का एफ नंबर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है जिसका मतलब होता है वाट विच जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है ये यहाँ पे डब्ल्यू एच मीनिंग नहीं दे रहा है यहाँ इंट्रोगेटिव वट मतलब जो होगा और विच मना जिस होगा और हुज मना किस जिसका होगा तो मतलब कह सकते हैं आ, वाट पेन डू यू लाइक जो सॉरी ऐसे नहीं कहेंगे इस कहेंगे वट पेन यू आर लुकिंग दैट इज़ माई मतलब जो कलम आप देख रहे हैं वो मेरा है विच थिंग्स डू यू लाइक मोस्ट जिस चीज़ को आप अधिक पसंद कर रहे हो इस प्रकार से अलग अलग प्रयोग है इसके सभी ये सारे चीज़ को डिटेल से बताया जाएगा आगे देखिए सम नेक्स्ट है सम फ्रेजिस डिनोटिंग क्वान्टिटी एंड द नंबर देखिए कह रहा है सम फ्रेजेस डेनोटिंग क्वान्टिटी एंड नंबर्स इस काइंड्स में हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं जितने प्रकार के फ्रेजल भर्ब्स होते हैं मतलब आई मीन कह सकते हैं जिसको नाउन के पह इसके फ्रेजल वर्ड यूज करने के बाद जब नाउन आता है तो नाउन यूज करने का पहले जो फ्रेजल भर्ब आया जाता है आता है वो मोस्टली इस प्रकार से उससे प्लान्टी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैंने अधिक संख्या में आ, या स्मॉल अमाउंट ऑफ छोटी मात्रा में या तो या लॉट ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा अ ग्रेट ऑफ अधिक और अ लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब अधिक मात्रा में लॉट्स ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा है ना इन लार्ज स्केल बड़े पैमाने में इन द स्मॉल स्केल छोटे पैमाने में इस प्रकार से ये सारे प्रयोगों को सीखना है मैं बट मेनली आज हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो 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 जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो डिटेमनास में और जानेंगे आज हम लोग नाउन के बारे में जिस प्रकार से नाउन के में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है चलिए देखते हैं नाउन नाउन मेनली जो यहाँ पे दिखाया गया है दो प्रकार का नाउन इस चैप्टर में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं जिनमें से पहला जो होगा वो होगा काउटेबल नाउन मीन्स क्या होता है गणनीय संज्ञा और दूसरा जो होगा वो होगा हम लोगों का वो अनकाउटेबल नाउन मीन्स अगणनीय संज्ञा तो जिसको हम दोस्त आप सभी जान रहे हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं वैसे संज्ञा को क्या कहेंगे है ना वैसे संज्ञा को काउंटेबल नाउन बोलेंगे और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं अब आगे नेक्स्ट जो है इसे दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर देख सकते हैं है ना देखिए लिखा हुआ है फ्यू फ्यू एक ऐसा डिटर्मिनार्स है जिसका मतलब होता है कुछ जरा या थोड़ा और आगे है लिटिल अनकाउंटेबल नाउन में अगणनीय संज्ञा में है कुछ जरा थोड़ा और नेक्स्ट आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो दूसरा में है क्या है अफ यू एफ यू का मतलब होता है नहीं के बराबर मीन्स जीरो प्रतिशत क्वान्टिटी होना चाहिए मात्रा इसमें जो होगा एकदम जीरो परसेंट हो जाएगा मतलब कुछ भी मात्रा में है ही नहीं मेरे पास थोड़ा सा भी मात्रा में नहीं है जरा सा भी मात्रा में नहीं है बिल्कुल जीरो क्वान्टिटी तो हम जा करके एफ यू का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट आगे है अ लिटिल लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे लिटिल का प्रयोग हम उस जगह पे करेंगे जहाँ पे नहीं के बराबर एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी में नहीं हो जीरो क्वांटिटी में हो कह सकते हैं उसको उस जगह में हम लोग ज़्यादातर है ना या? इसका प्रयोग करते हैं नेक्स्ट आगे जो है वो हम लोग देखने देखते हैं थर्ड नंबर थर्ड नंबर में क्या है थर्ड नंबर में है द फ्यू दफ य्यू का प्रयोग कैसे करेंगे नीचे बना करके कुछ सेंटेंस को दिखाया जा रहा है उस तरह से देखिए उस सेंटेंस को एक करके समझना है उसके बाद आगे है द लिटिल का प्रयोग द लिटिल का प्रयोग हम लोग आज आ, किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए उसे आ, इसका मतलब होता है जो भी कुछ या थोड़ा सा या जरा सा चलिए देख लेते हैं आगे क्या है इसे किस तो प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल में किस प्रकार से बना करके दिखाएं इसे देख करके आप पुनः इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं अगर यदि आप इन सभी प्रोनाउंस से ही सी विदेश यू सभी प्रोनाउंस से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली है कि हम आ, फ्यू द फ्यू द फ्यू, फ्यू लिटिल अ uh, लिटिल और द लिटिल इन छः डिटर्मिनार्स को अच्छी तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है दे रहा होगा है ना जैसे फ्यू हो गया य फ्यू हो गया द फ्यू हो गया लिटिल हो गया द लिटिल हो गया लिटिल uh, 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 हो गया द लिटिल हो गया इसको प्रयोग में इसको सीख करके काउंटेबल गणनीय संज्ञाओं में अगणनीय संज्ञाओं को जान करके इसको जो है ना किस प्रकार से एग्जाम्पल में बनाया गया है इसको ध्यान से देखें है ना देखिए जैसे मेरे पास कुछ कलमें हैं तो इसे कैसे बनाया जाता है आई हैव फ्यू पेंस मेरे पास कुछ कलमें हैं आई हैव फ्यू पेंस उसी प्रकार से बनाएंगे उसके पास कुछ कलमें हैं तो क्या होगा ही हैज़ फ्यू पेंस फ्यू उसी प्रकार बनाएंगे उसके पास कोई लड़की के पास है तो कैसे बोलेंगे स्त्री जाति के पास है तो बोलेंगे सी हैज़ फ्यू पेंस उसके पास कुछ कलमें हैं और हम लोगों के पास कुछ कलम हैं तो कैसे बनाएंगे वी हैव फ्यू पेंस हम लोगों के पास कुछ कलमें हैं आपके पास कुछ हैं कैसे बनाएंगे यू हैव फ्यू पेंस आपके पास कुछ कलमे हैं वे लोग के पास कुछ हैं कैसे बनाएंगे दे हैव फ्यू पेंस उसी प्रकार से ये तो हो गया काउंटेबल लाउन में बट इसे अनकाउंटेबल लाउन में कैसे बनाएंगे अनकाउंटेबल लाउन में देखिए कैसे बनाया गया है अनकाउंटेबल लाउन में जैसे आ, मुझे कम ज्ञान है तो बनाएंगे आई हैव लिटिल नॉलेज आई आई हैव लिटिल नॉलेज मेरे पास कम ज्ञान है अब बनाएंगे हम उसके पास कम चावल है देखिए ज्ञान को भी नहीं गिन सकते हैं चावल को भी नहीं गिन सकते हैं इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है उसके पास कम चावल है तो क्या होगा ही हैज़ लिटिल राइस फिर बनाएंगे उसके पास कम ईमानदारी है तो क्या बनाएंगे सी हैज़ लिटिल ऑनेस्टी हम लोगों के पास कम ज्ञान है तो वी हैव लिटिल नॉलेज आपके पास कम ज्ञान है तो कैसे बनाएंगे यू हैव लिटिल नॉलेज और वे लोग के पास कम ज्ञान है तो कैसे बनाएंगे दे हैव लिटिल नॉलेज चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे का प्रयोग को हम देखेंगे आगे का प्रयोग है जैसे मुझे कुछ आ, नहीं के बरा मुझे नहीं के बराबर किताबें मीन्स दूसरा ऑफ फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे य फ्यू का प्रयोग देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो दिख रहा है यू यह मतलब ये फ्यू नहीं के बराबर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे यहाँ पे कुछ यूनिक होने वाला है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे देखिए जैसे मुझे नहीं के बराबर किताबें हैं मुझे नहीं के बराबर किताबें हम मीन्स कहने का मतलब है जीरो परसेंट जीरो परसेंट भी नहीं है मतलब जीरो आ, क्या बोल सकते उसको क्वांटिटी में है जैसे आई हैव अ फ्यू बुक्स मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं अब यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि ये मतलब एक नहीं है एक किताबें नहीं है और ये कम किताबें हैं ऐसा नहीं है है ना और फ्यू एक साथ प्रयोग होता है और एक साथ प्रयोग होने के बाद क्या होता है ना ये नहीं के बराबर नेगेटिव मीनिंग देता है दोस्तों आगे नेक्स्ट है उसी प्रकार से हम बनाएंगे उसके पास नहीं के बराबर किताबें हैं तो कैसे बनाएंगे ही हैज़ फ्यू अ फ्यू ही हैज़ अ फ्यू बुक्स उसी प्रकार से बनाएंगे है ना सभी प्रोनाउन से देख लेते हैं बना करके है ना उसके बाद आप इसे धीरे धीरे पुनः सभी uh, एक करके सभी किताब अपना uh, बुक्स में नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करके इसे बना करें बनाएंगे और बनाने के बाद इसको देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली सभी फिलिंग द ब्लैंक्स जो आगे हम देंगे वो सारा आ, सारा का सारा सही हो जाएगा आपसे देखिए सिर्फ आप वीडियो को बढ़िया से देखते जाइए समझने का प्रयास कीजिए देखिए आगे जो हम दस्ट टेन मार्क्स का फिलिंग द ब्लैंक्स को टेस्ट लेने वाले हैं और डेफिनेटली टेन में टेस्ट टेन में टेन से भी लाने वाले हैं आप देखिए कैसे टेन में टेंस ले आएंगे सिर्फ ध्यान से देखिएगा उसी बाद सी है सी के बाद उस उसके पास नहीं के बराबर काल कैसे बनाएंगे सी हैज़ अ फ्यू पेंस बनाएंगे हम लोगों के पास नहीं के बराबर कल कैसे बनेंगे वी हैव वी हैव फ्यू वी हैव फ्यू पेंस आगे बनाएंगे आपके पास नहीं के बराबर कल कैसे बनाएंगे यू हैव य फ्यू पेंस उसके बाद लोग के पास नहीं के बराबर कल कैसे बनाएंगे दे हैव अ फ्यू पेंस इसी प्रकार से दोस्तों हम नेक्स्ट uh, जो है लिटिल का भी प्रयोग को देख लेंगे अनकाउंटेबल नाउन में कैसे इसको यूज करेंगे कैसे इसे बनाएंगे देखिए इसमें दिया हुआ है टू नंबर में देखिए ध्यान दीजिएगा मुझे नहीं के बराबर ज्ञान है तो क्या होगा आई हैव अ लिटिल नॉलेज मुझे नहीं के बराबर ज्ञान है इसी प्रकार से हम बनाएंगे इसको उसे नहीं के बराबर ईमानदारी है तो कैसे बनाएंगे ही हैज़ अ लिटिल ऑनेस्टी इसी प्रकार से बनाएंगे। उसे नहीं के बराबर चावल हैं तो क्या बनाएंगे सी हैज लिटिल राइस फिर इस प्रकार बनाएंगे। हम लोगों के पास नहीं के बराबर ज्ञान हैं तो क्या बनाएंगे वी हैव लिटिल नॉलेज फिर बनाएंगे आपके पास नहीं के भी आप बराबर ज्ञान है तो कैसे बनाएंगे यू हैव अ लिटिल नॉलेज उसी प्रकार से बनाएंगे वे लोग के पास नहीं के बराबर ज्ञान है मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है वे लोग के पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तो इसमें भी यही चीज़ को लगाना है है ना दे हैव अ लिटिल नॉलेज अ लिटिल नॉलेज मीन्स ये लोग के पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है चलिए नेक्स्ट आगे जो है हम लोग तीसरा तीसरा डिटर्मिनाट्स का यूज देखेंगे नेक्स्ट चार डिटर्मिनाट का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं अब हम लोग नेक्स्ट डिटर्मिनाट का प्रयोग सीखेंगे देखिए अगला है द फ्यू का द फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे देखिए कह रहा है तुम्हें जो भी किताबें हैं उसे दे दो कहने का मतलब है इवर द फ्यू बुक्स दोस्तों किताबों को तो गिन सकते हैं इसलिए क्या लगाएंगे द फ्यू द फ्यू एक साथ लगेगा ये द फ्यू जो है ये दोनों क्या होगा एक साथ लगने वाला है ठीक है एक साथ तो क्या होगा वाट द फ्यू बुक्स यू हैव गिव हिम कहने का मतलब तुम्हारे पास जो भी किताबें हैं उसे दे दो इस प्रकार से बोनेंगे व्हाट द फ्यू चेयर्स यू हैव Give them तुम्हारे पास जो भी कुर्सियाँ हैं उन लोगों को दे दो इस प्रकार से आगे बना सकते हैं लेकिन आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग लिटिल का भी प्रयोग सीख लेते हैं लिटिल का प्रयोग कैसे बनाएंगे लिटिल में कैसे हमको जानना है देखिए दिया हुआ है तुम्हें जो भी ज्ञान है उसे पढ़ा दो तो क्या होगा वाट एवर द लिटिल नॉलेज यू हैव टीच हिम वॉट इवर द लिटिल नॉलेज देखिए द लिटिल नॉलेज यहाँ पे एक साथ लगने जा रहा है है न और क्या हो रहा है, है न एक नया मीनिंग दे रहा है नाउन से पहले लग लग करके देखिए व्हाट इवर द लिटिल नॉलेज यू हैव टीच हिम आपके पास तो सॉरी तुम्हें जो भी ज्ञान है उसे पढ़ा दो उसी प्रकार से बनाएंगे व्हाट इवर द लिटिल ऑनेस्टी यू हैव है ना क्या कहेंगे सावहिम मतलब तुम्हारे पास जो भी थोड़ी सी ईमानदारी है जो भी कुछ मात्रा में ईमानदारी बचा हुआ है है ना उसे दिखाओ इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों और इसी प्रकार से बना करके आ, हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से डिटर्मिनास को आ, यूज जो होते हैं फ्यू अ फ्यू द फ्यू और आ, लिटिल आ लिटिल द लिटिल इन छः डिट्रमिनास को एक साथ में प्रयोग भी सीख सकते हैं आ, उसके बाद देखिए चलिए अब चैप्टर तो ये कंप्लीट हो जा रहा है और नेक्स्ट हम जो है टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाए टेस्ट आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द विद द हेल्प ऑफ या द फ्यू लिटिल द लिटिल और अ लिटिल इस प्रकार से करके दिया हुआ है तो आगे देखिए नेक्स्ट फिर द ब्लैंक्स दिया हुआ है इस फिल इंद ब्लैंक्स को भर uh, पढ़ करके और पढ़ करके कमेंट बॉक्स पर इसका सही आंसर दीजिएगा है ना हमें पूरी उम्मीद और आशा है आप लोगों पे कि आप ज़रूर इस चीज़ को समझ के होंगे और समझने समझ करके आप हमें इसका आंसर uh, जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके देंगे है ना क्या फिर इन दिन फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा इसको भर करके और अधिक से अधिक मार्क्स उठाएँ यही उम्मीद आप लोग इसे रखते हैं थैंक uh, यू uh for watching this video and uh, uh if you may have liked this video then uh, try to share to one to another person and uh, uh, tell them even that uh, uh, important videos uh, uh, from these uh, videos uh, you can do better from your examination and you can achieve you uh, a lot of the marks by through these videos manual uh, a lot of the thanks to again all of you thank you